साल 1965, कनाडा के विनिपेग मैनिटोबा शहर में जन्मा ब्रूस और ब्रायन दोनों ही एक आइडेंटिकल ट्विंस थे। जब वह 8 महीने के हुए तो पेनिस में हुए माइनर प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल ले जाए गए। डॉक्टर ने सरकमशन के द्वारा इसका इलाज करने का सोचा, पर सरकमशन के दौरान डॉक्टर के द्वारा नॉर्मल औजार का इस्तेमाल ना करके एक इलेक्ट्रिक नीडल के इस्तेमाल किए जाने पर ब्रूस की लिंग बुरी तरह जल गई। ब्रूस के माँ बाप को अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी। फिर एक दिन उन्होंने टीवी पर डॉक्टर जॉन मनी को देखा। डॉक्टर जॉन मनी एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट थे, जो कि बाल्टीमोर मैरीलैंड में स्थित जॉन हॉपकिन हॉस्पिटल में काम किया करते थे। वो ये बिलीव करते थे कि जेंडर महज एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और वो ये बात दुनिया को दिखाना चाहते थे। उनका ये मानना था कि एक इंसान इसीलिए लड़का या लड़की कहलाता है क्योंकि सामाजिक रूप से उसे उसी प्रकार बड़ा किया जाता है कि वह एक लड़का या लड़की जैसा बर्ताव करे। और इसी बात से प्रोत्साहित होकर ब्रूस के माता पिता ब्रूस को डॉक्टर जॉन मनी के पास ले जाने का फैसला कर लेते हैं। डॉक्टर जॉन मनी ने ब्रूस के माता पिता को जेंडर री असाइनमेंट सर्जरी कर ब्रूस को एक लड़की की तरह पालने का सुझाव दिया और अपने बेटे की अच्छी भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने हामी भर दी। यही वो मोड़ था जो ब्रूस की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। केवल 2 साल की उम्र में ब्रूस के पेनिस को पूरी तरह हटाकर एक आर्टिफिशियल वजाइना तैयार कर दिया गया और उसके हार्मोन्स को इस तरह मैनिपुलेट किया गया कि वो जो टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, ना प्रोड्यूस कर सके, जिसके चलते आगे चलकर उसका शरीर एक लड़की की तरह विकसित हो। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद 2 साल का ब्रूस अब पूरी तरह ब्रेंडा बन चुका था। लेकिन जिस बात से ब्रूस के माँ बाप अब तक अनजान थे वो ये था कि डॉक्टर जॉन मनी ने ब्रूस को महज एक पेशेंट की तरह नहीं समझा, बल्कि अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लिया था। ब्रेंडा और ब्रायन जुड़वा थे, जिनके कारण उनके जीन्स एक समान थे। अगर ब्रेंडा ब्रूस होती तो उसकी काफ़ी आदतें ब्रायन के समान होती, और इसी बात का परीक्षण डॉक्टर जॉन मनी करना चाहते थे। डॉक्टर जॉन मनी ब्रेंडा और ब्रायन को हर साल चेकअप के बहाने से बुलाकर अपने एक्सपेरिमेंट के प्रोग्रेस को एनालाइज किया करते थे। इस दौरान वो उनके माँ बाप को बिना बताए उनके कपड़े उतारते और उनसे कई प्रकार की यौन गतिविधियाँ कराते और सिखाते और उनके फोटोग्राफ्स भी खींचते। 9 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। 9 साल के लंबे अरसे के बाद डॉक्टर जॉन मनी ने ये घोषित कर दिया कि ब्रूस अब पूरी तरह ब्रेंडा बन चुकी है। उसके बर्ताव कई मायनों में लड़कों से अलग और लड़कियों से मेल खाती है। पर ये सच नहीं था। सर्जरी के तुरंत बाद ही ब्रेंडा अपनी असल आइडेंटिटी रिवील करने लगी थी। जब उसकी माँ ने उसे लड़कियों वाले कपड़े पहनाए तो उसने वो कपड़े फाड़ दिए थे। ब्रेंडा को लड़कियों के मुकाबले लड़कों वाली गतिविधियों में ज़्यादा मज़ा आता था। हालात तब और बदतर हो गए जब ब्रेंडा अपनी यौन अवस्था में पहुँचती है। स्कूल में ब्रेंडा से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। 13 साल की ब्रेंडा अब अकेली थी और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर एक दिन जब उसने अपने पिता को अपनी परेशानियों के बारे में बताया तो वो फूट फूट कर रोने लगे और उसने ब्रेंडा को सारी सच्चाई बता दी। आखिरकार ब्रेंडा को समझ आ गया था कि आखिर क्यों उसे समाज में एडजस्ट करने में इतनी तकलीफ हो रही थी।
आखिर क्यों उसे खुद के अंदर ही अनजाना महसूस हो रहा था। फिर 14 साल की उम्र में ब्रेंडा लड़कियों की तरह जीने से इनकार कर देती है। उसने अपना नाम बदलकर डेविड रख लिया और वो सारी प्रक्रियाएं जिससे उसका शरीर एक लड़की की तरह बनाया गया था उसे रिवर्स करने में जुट गई। समय गुजरता गया। आखिरकार 22 साल की उम्र में ब्रेंडा से पूरी तरह डेविड बनकर उसने अपनी एक नई पहचान को गले लगाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि 25 साल की उम्र में उसने जेन फॉन्टेन नाम की लड़की से शादी भी कर ली। हालांकि वह पिता नहीं बन सकता था पर अपनी पत्नी के 3 बच्चों का सौतेला पिता बनकर संतुष्ट था। जब इंटरनेशनल मीडिया पर डेविड की इस दुखद दास्तान के बारे में लोगों को पता चला तो उनके होश उड़ गए। डॉक्टर जॉन मनी के एक्सपेरिमेंट ने दोनों भाइयों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था और बचपन की इस कड़वी यादों को वो दोनों कभी भुला नहीं पाए थे। ब्रायन अब एक ड्रग एडिक्ट बन चुका था और ड्रग के ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस सदमे के बावजूद अगर डेविड जिंदा था तो महज अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। पर जब 2 साल बाद उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया तो उसे जीने का कोई मकसद नजर नहीं आने लगा और इस दुखों से भरी जिंदगी से उसे मौत आसान लगने लगी। 38 साल की उम्र में डेविड ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी और इस तरह एक साइंस एक्सपेरिमेंट ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। हम नहीं जानते कि डॉक्टर जॉन मनी के इरादे क्या थे। हो सकता है उन्हें वाकई ऐसा लगता था कि वो जेंडर को सक्सेसफुली परिवर्तित कर सकते हैं। पर जो भी हो जाने अनजाने में उसने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं लर्न टुगेदर YouTube चैनल।